वेल शिवाजी सत्यम, क्या CID का season 2 आ रहा है और क्या बेहतरीन खबर निकल के आ रही है सामने क्या मेकर्स लाने वाले शो को, इसी बारे में चर्चा करेंगे और बात करने वाले हैं। तो शिवाजी सत्यम न्यू शो इन 2023 CID season 2 अपडेट, क्या अपडेट निकल के आ रही है, क्या शो आ रहा है, क्या आप सभी को देखने मिलेगा। सबसे पहले शेयर लाइक सब्सक्राइब का मेरा सही को कर देना है, तभी आपको आने वाली अपडेट मिलेगी। वो भी सबसे पहले और बड़े टाइम पे आपने 2 लाख करवाया यहाँ पे, फट 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 इसी चैनल पे आपने 2 लाख के ऊपर करवाया ना, इसी चैनल पे आप 3 लाख करवा दो जल्दी जल्दी, 3 लाख के करीब जल्दी जल्दी पहुँचा दो ताकि हम लोग और ज़्यादा आपको अपडेट पहुँचा सके। हेलो सर, मेरा नाम तजीर खान है और आप देख रहे हैं फुल ऑन एंटरटेनमेंट। CID बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन शो है जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वेल शिवाजी सत्यम का ये नया शो आने वाला है, वो भी 2023 में, और क्या आप सभी को देखने मिलेगा CID। वेल बहुत सारी खबरें निकल के आ रही है कि जो CID है वो मेकर्स ला सकते हैं आने वाले वक्त में, इसकी वापसी आप सभी को देखने मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई ये चाह रहा है कि ये जो शो है ये वापसी करते हुए हमें देखने मिले, और इसकी खबरें बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है सामने कि मेकर्स ने इस शो को लाना चाहिए। और शिवाजी सत्यम जो कि ACP का किरदार निभाते थे, बहुत ही कमाल के लगते थे ACP पद्युमन, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे अभिजीत का रोल बहुत अच्छा था और दया का रोल भी, तो ये किरदार बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और तारिका का और शाहरुख का रोल तो अलग ही था, और कॉमेडी तो और ज़्यादा होती थी इस शो में, और सस्पेंस से भरा हुआ रहता था, आखिरी तक ये नहीं पता चलता था कि कौन है और कौन नहीं है। लेकिन हाँ, CID एक पॉपुलर शो है, अगर ये वापसी करेगा तो बहुत धमाकेदार करेगा, और इतना ज़्यादा इसका क्रेज़ बना हुआ है इस टाइम में कि CID season 2 आना चाहिए, हर कोई ये कह रहा है। तो बहुत ज़्यादा कमेंट भी आ रहे हैं इसके बारे में कि ये शो आना चाहिए, तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि ये शो मेकर्स जल्द से जल्द शुरू करने वाले हैं।